जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरवन चारे यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरवन चाहे जय राधा माधव कुंज विहारे गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Everyone together. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna. Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे संकीर्तन महायज्ञ की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वांछाकल्पतरुभ्यश्च वैष्णवेभ्यो नमो नमः। No, it is Hindi or English? Hindi. हरे कृष्ण। तो मेरा परम सौभाग्य है कई सालों बाद पुनः लौटकर हमारे सुंदर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के इस सुंदर भव्य मंदिर में प्रवेश होने का सौभाग्य प्राप्त है। तो आप सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन, विशेष करके मंदिर के मुख्याध्यक्ष अनुकुल केशव प्रभु, कई सालों बाद आपके दर्शन करके कृतार्थ हो गया मैं। कई वरिष्ठ वैष्णव यहाँ उपस्थित हैं,
आप सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन। कईयों को मुख दर्शन से मैं पहचान पा रहा हूँ, कईयों को पहचान नहीं पा रहा। तो जिस प्रकार महाराज रहुगण जड़ भरत को पहचान नहीं पाए, परंतु उनको माध्यम रख के जगत में विचरण करने वाले सभी महानुभावों के चरणों में दंडवत अर्पण किए, उसी भाव से यहाँ जो सब वरिष्ठ वैष्णव वैष्णवी उपस्थित हैं, जिनको मैं पहचानता हूँ, जिनको दुर्भाग्यवश मैं पहचान नहीं पाया, आप सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरे साथ माता पिता उपस्थित हैं, परिवारजन उपस्थित हैं, मेरी नानी उपस्थित हैं, कई वरिष्ठ वैष्णव उपस्थित हैं, आप सबको मेरा दंडवत प्रणाम। हिंदी तो सबको समझ आती होगी, है ना? बहुत सुंदर। हमारी आज जो टूटी फूटी प्रार्थना होगी, प्रयास होगा, प्रयत्न होगा, शब्दों के माध्यम से जो टूटी फूटी रोटी हम आज पवाएंगे आपको, थोड़े शब्द जले हुए रहेंगे, थोड़े शब्द ठीक से पके हुए नहीं रहेंगे, आप सब मुझे क्षमा कीजिए और मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से, सही भाव से भगवान की संस्तुति हो सके, हम सबके अंतःकरण का शुद्धिकरण हो, हमारे कर्ण इंद्रियों को संतोष प्रदान हो और हमारी मति भगवान के चरणों में बनी रहे, यही अभिलाषा है और आपके चरणों में यही प्रार्थना है। तो आप सब मुझे अपने प्रार्थना और अपने आशीर्वाद से पोषित रखेंगे, जो भी त्रुटि हो जाए आप मुझे क्षमा कर दीजिए और यदि कोई अच्छे शब्द निकले जिससे भगवान के चरणों में रति जागृत हो, तो ये गुरु परंपरा का ही प्रदत्त है, हमारा निज कोई यहाँ योगदान नहीं रहेगा। शास्त्र में बहुत सुंदर वर्णन है, आप सब पीछे पीछे दोहराएं, बहुत सुंदर श्लोक है। ऋग्वेद अथ यजुर्वेद सामवेदो अथर्वणः अधीतः येन तेनुक्तं हरि इति अक्षरद्वयम्। बहुत सुंदर। इसका अर्थ क्या है? चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आप सबसे अनुरोध है, कृपया फोन आप नीचे रख दीजिए, फोन वो पकड़ नहीं पाएगा जो आपकी छाती पकड़ पाएगी। फोन तो केवल एक माध्यम है ना, केवल वो चित्र पकड़ पाएगा, परंतु आज का जो विषय है और विषय के पीछे जो गूढ़ अर्थ है और जो भाव है, वो यंत्र पकड़ नहीं पाएगा। तो आप सबसे अनुरोध है, आप मुझे सहायता करें और ये सब अंदर रख दें। आपके और हमारे बीच में कोई यंत्र ना आए। कितने वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण, ये चारों वेद पढ़ना बहुत दुर्लभ है। प्राय कली काल में चार वेद के नाम जानना भी दुर्लभ है। रस्ते पे किसी व्यक्ति को पकड़ लीजिए और पूछिए कि वेद का अर्थ क्या है, वो बता नहीं पाएगा। और कितने प्रकार हैं तो शायद कह पाएगा चार, और फिर भी उनके नाम नहीं बता पाएगा। परंतु शास्त्र में वर्णन है, ये चारों वेद पढ़ने का और समझने का, पूर्ण रूप से इसके ज्ञान विज्ञान को पचाने का जो बल है, जो फल है, आपको मिल जाएगा एक जीवन में। एक जीवन में चार वेद पढ़ने का फल प्राप्त है। कोई कहेगा एक जीवन में क्या चार वेद पढ़ा जा सकता है? श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी तो चार वेद आठ के उम्र में कंठस्थ किए थे, आठ की उम्र में।
हम क्या कर रहे थे, कार्टून देख रहे थे है ना यही फर्क है हम में और महानुभावों में। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में आता है, जन्म लेते ही पहले शब्द कहे राम राम राम। कोई जानता नहीं था कि गोस्वामी तुलसीदास जी किनके पुत्र हैं। पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया ये बच्चा जन्म लेते लेते क्या बोला, राम बोला, तो नाम ही पड़ गया राम बोला। गोस्वामी तुलसीदास जी का ग्रामीण नाम, गांव में नाम था राम बोला, क्योंकि उन्होंने वास्तविक जन्म लेने के बाद राम ही बोले। तो क्या एक जीवन में चार वेद पढ़ने का फल प्राप्त है, क्या संभव है? शास्त्र में वर्णन है एक जीवन तो बहुत लंबा समय है, एक वर्ष में ना, एक महीने में ना, एक हफ्ते में, अरे नहीं एक दिन में, अरे ये तो ज्यादा हो गया, नहीं नहीं एक घंटे में, नहीं नहीं एक मिनट में, भैया एक सेकंड में। चार वेद पढ़ने का फल एक सेकंड में प्राप्त है। किनको? अधीतस येन तेनोक्तम हरि इति अक्षरद्वयम्। जो व्यक्ति ये दो अक्षर कहता है, हा री, शास्त्र का ये वर्णन है, शास्त्र का ये सिद्धांत है, शास्त्र का ये निचोड़ सार है कि जो व्यक्ति हरि ये दो अक्षर कहता है, तो ये बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। अनुकूल्य ने कृष्णानुशीलनम, भक्ति का अर्थ है श्रवण भक्ति या कीर्तन भक्ति में जो बाधक है उसको निकाल दो, कोई भी क्यों ना हो। प्रहलाद ने अपने पिता को निकाल दिया भरत ने मां को, कैकेयी, ध्रुव ने मां को, बलि महाराज ने तो गुरु शुक्राचार्यों को, गोपियों ने तो अपने पति को, विभीषण ने अपने भाई को। अर्थात सार बात यह है, जो अनुकूल है भजन के लिए भक्ति के लिए उसको ग्रहण करो, और जो प्रतिकूल है चाहे जितने निकट से बहुत सुंदर अनुकूल हवा भी क्यों ना देते रहे, परंतु यदि वो श्रवण भक्ति में बाधक है निकाल दो, बंद कर दो। ये तालियों के लिए नहीं था, यदि बंद हो सकता ठीक हमारे महाराज जी कहते थे एक बार कथा में, हर दो दो सेकंड में लोग तालियां बजा रहे थे, तो हमारे महाराज जी कहे मैं कोई मंत्री नहीं और यहां मैं प्रवचन देने नहीं आया, मंत्री का भाषण जहां ताली हो। महाराज जी कहे यदि कोई बात अच्छी लगे उसको जीवन में आत्मसात करके ग्रहण कर लो, भक्ति में अग्रसर हो, भक्ति में आगे पथ के ओर अनुकूल भाव से चलो। तो चलिए, ऋग्वेद अथ यजुर्वेद सामवेद अथर्वण अधीत येन तेनोक्तम हरि इति अक्षरद्वयम्। जिसने ये दो अक्षर हरि, हा री, हरी 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 हरी, आप सबको हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक शुभेच्छा, आपने चारों वेद ग्रेजुएट हो गए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भगवान व्यास देव जिन्होंने वेद की रचना की, संस्कृत में व्यस्यते इति व्यास, जिन्होंने वेद का विभाजन किया और जगत में प्रस्तुति की, ऐसे भगवान व्यासदेव कहते हैं यदि चार वेद पढ़ने का समय ना हो, चलो यदि कोई चार वेद पढ़ भी क्यों ना ले, हम इसमें वेदों के पठन के प्रति भर्तना नहीं कर रहे हैं, बहुत सुंदर है यदि कोई वेद पठन में लग रहा है, बहुत सुंदर है, परंतु यदि उसका सार भगवत भजन नहीं हुआ, न उत्पादयेत् यदि रतिम श्रम एव हि केवलम्। श्रीमद् भागवत का ये बहुत सुंदर सार है
यदि आपने चार वेद पढ़ लिए और आयुर्वेद से लेकर ज्योतिष शास्त्र तक सब कुछ सीख लिए, व्याकरण से लेकर न्याय शास्त्र सब कंठस्थ है, षडंगादि वेदों मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति मनश्चे न लग्नम गुरोरंग्रि पद्मे तथक्यम 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 तथक्यम। भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं यदि सभी चार वेद पढ़ लिए, षड दर्शन शास्त्र पढ़ लिए और गद्य पद्य श्लोक मानो ऐसे गंगा के प्रवाह की तरह उच्चारण हो रहा है, परंतु यदि नाम उच्चारण ना हो, भगवान की और गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण का भाव ना हो, तो तुमने सीखा क्या? और ये कोई गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत का निचोड़ नहीं, ये कोई इस्कॉन संस्था का एक सिद्धांत निचोड़ नहीं, हम आपको शास्त्र के निचोड़ का बात कह रहे हैं। भगवान व्यासदेव को तो सभी आचार्य मानते ही हैं, कोई भी संप्रदाय से क्यों ना हो, कोई भी संस्था से क्यों ना हो। यदि आप भगवान व्यासदेव को नहीं मानते फिर आप नास्तिक हो गए, और यदि आस्तिक हैं कोई भी संप्रदाय कोई भी संस्था से क्यों ना हो। अधीतस येन तेनुक्तम हरि इति अक्षरद्वयम्, जिसने भगवान का नाम हृदय से जप लिया उसको चारों वेद पठन पाठन का फल प्राप्त है। आप कहेंगे अभी ये अतिशयोक्ति नहीं हुई, जिसको इंग्लिश में ओवर एग्जैजरेशन कहते हैं। कहां व्यक्ति विद्यार्थी गुरुकुल में 12-12 साल गुरु सेवा करके विश्रम भेण गुरु सेवा गुरु के आश्रम मार्जन कर रहा है, झाड़ू पोछा लगा रहा है और 6-6, 8-8 घंटे वेद के श्लोकों का पठन पाठन कर रहा है, और कहां व्यक्ति एक बार हरि बस। और आप कह रहे हैं ये उसी का फल है? हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यदि चार वेद पढ़ लिए और प्रभु आपको मिले नहीं तो क्या किया आपने? और जिसने भी हरि प्रभु का नाम अक्षर जोर से प्रेम से आर्तनाद से पुकारा, प्रभु वहां चले गए भाग भाग कर। द्रौपदी ने पुकारा कुरु सभा में गोविंद इति चुक्रोश, गोविंद। आप कहेंगे अब इस उच्चारण का क्या फल? भगवान कहते हैं यह महाभारत की उक्ति है, माम कृष्णा दूरवासिनी, कृष्णा अर्थात द्रौपदी दूर से पुकारी और मैं दूरवास कर रहा था द्वारका में। ये कुरु सभा में वस्त्र हरण चल रहा है, प्रयास चल रहा है, वस्त्र हरण तो हुआ नहीं, प्रयास था, दुशासन ने बहुत प्रयास किया। अग्रे कुरुणाम अथ पांडवानाम दुशासनेना ऋतवस्त्र केशा कृष्णा तदा क्रोशद अनन्यनाथा गोविंद दामोदर माधवेति। बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं द्रौपदी का नाम है अनन्यनाथा, जिसकी कोई और, जिसके हृदय में और कोई नाथ ना हो कृष्ण के अतिरिक्त, यही है अनन्यनाथा कृष्णा द्रौपदी। भगवान महाभारत में कह रहे हैं द्रौपदी ने एक बार गोविंद क्या पुकारा, मैं इतना ऋण में डूब गया कि बार बार छिप छिप कर जाता हूं सेवा करने के लिए ताकि अपने ऋण को मैं चुका सकूं। अर्थात यदि कोई एक बार प्रेम से प्रभु को पुकारता है प्रभु छोड़कर जा ही नहीं सकते। आप ही सोच लीजिए पीछे पीछे से कोई आप बार बार आपका नाम पुकारे, आप मुड़ेंगे नहीं? आप और हम मुड़ेंगे नहीं? और एक बार पुकारे हम पीछे देखें, फिर चलने लग गए, फिर वापस कोई जोर से पुकारे हम वापस पीछे देखें, और फिर हमें पता चला वो किन्हीं और को बुला रहे हैं वही नाम वाले, फिर वापस पुकार, फिर हम वापस देखेंगे, पता है कोई और है वही नाम वाला, फिर भी पुकारने पर हम देखेंगे, क्योंकि नाम में इतना बल है कि वो रूप गुण लीला व्यक्ति सबको आकृष्ट कर लेता है। उदाहरण के तौर पर यदि आपको मैं कहूं बलराम, आपके मन में छवि बन गई, बहुत सुंदर गोरे वर्ण के बलराम, हलधारी नीले धोती वाले, वो भी छोटे बलराम कृष्ण के साथ माखन मिश्री माखन तस्करी माखन चोरी कर रहे हैं, और लाला तो माखन लेकर ऐसे ऐसे करते हैं तो दिखता है माखन, बल दाऊ तो लगाते हैं तो दिखता भी नहीं माखन। लाला कहते हैं दाऊ जी आपको तो बढ़िया है, हमें तो माखन मुख में छुपाना पड़ता है, आप तो पूरे शरीर में छिपा कर चलते हो, किसी को पता नहीं चलता।
हमें भी कभी सौभाग्य दीजिए कि हम भी गोरे चिट्टे हो जाए ताकि हम भी माखन मिश्री चुराएं और फिर यहां लगा दें। माने बड़े भाई के आशीर्वाद से छोटे भाई गौरांग बन गए। नाम में बहुत बल है। जब केवल बलराम कहने पर देखो आपके वृंदावन रूपी मन में कैसी छवि बनने लगी। आप सबने दर्शन किया और हमने तो बलराम देखा नहीं, फिर भी छवि बन रही है। नाम का बल है। एक बार गांधी जी कोई ट्रेन में जा रहे थे, बाजू वाला व्यक्ति सिगरेट फूकने लगा, सिगरेट जला दिया ट्रेन में। अब गांधी जी पास में बैठे थे, वो देखे ये व्यक्ति को कहे सिगरेट फूकना ये अच्छी बात नहीं है। व्यक्ति बोले तुम्हारा काम करो, हमें मत समझाओ। गांधी जी बोले ठीक है, आप अपनी सोच रखिए, हम अपनी सोच रखेंगे। गांधी जी बैठे हैं, वो व्यक्ति सिगरेट फूक रहा है। अब अगला स्टेशन आया, गांधी जी उतरे तो सब जयघोष हो रहा है, माला माला अर्पण कर रहे हैं, फूल न्योछावर हो रहा है, सब गांधी जी की जय जय जयकार। अब ये व्यक्ति सोचने लगा, ओ ये व्यक्ति जो बाजू में बैठे थे ये गांधी जी थे, नाम तो सुने थे पर देखे नहीं थे कभी। देखिए रूप सामने हो तो भी यदि नाम ना हो तो फिर कैसे पहचाने। आप गांधी जी भी क्यों ना हो और रूप भी पास में बैठा हो, यदि आपको परिचय ना हो नाम का तो उनके आज्ञा का व्यतिक्रमण होगा। तो भगवान जब प्रत्यक्ष साक्षात अपने रूप को प्रदर्शित करते हुए द्वापर युग में विचरण कर रहे थे और शिक्षा आज्ञा दे रहे थे, लोग व्यतिक्रमण इसलिए कर रहे थे क्योंकि रूप है पर नाम से परिचय है नहीं, नाम जपते हैं नहीं। और जो व्यक्ति जाने कि ये गांधी जी हैं, नाम और रूप एक है इस विषय में, तो फिर वो महिमा जाने। और ये तो हम मरते लोग की बात कह रहे हैं, ठाकुर के नाम के विषय में तो अपरंपार महिमा है। राम नाम की महिमा सुन लीजिए। शबरी बैठकर कुटिया में राम 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 आजीवन नाम जपी। हुआ क्या, नाम के बल पर रूप आकृष्ट होकर उस छोटी सी कुटिया में रामचंद्र का रूप प्रवेश हुआ। कई सारे तपस्वी मुनि भी बैठे थे और जो शबरी देवी के गुरु भाई थे, एक ही गुरु के परिवार में थे, शिष्य थे, वो सोच रहे थे प्रभु तो हमें पहले मिलेंगे क्योंकि हम तपस्वी हैं, हम ब्रह्मचारी हैं, हम केवल जलाहार करते हैं, कोई फलाहार करता है, कोई केवल पवन आहार करता है, हम पद्मासन में बैठते हैं, नेत्र मूंद कर हम रील की हड्डी सीधी रख के भजन करते हैं, ये शबरी क्या बूढ़ी बिचारी, इसको कहां से प्रभु मिलेंगे। सभी तपस्या, सभी ब्रह्मचर्य, सभी पद्मासन एक पक्ष पर और नाम जापक का अटूट श्रद्धा दूसरे पक्ष में। शबरी बैठकर राम 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 करके रंगोली लगा रही है, ये आशा, ये आस्था, ये विश्वास से कि हमारे गुरु ने कहा कि हमारे छोटी कुटिया में प्रभु आएंगे, नाम के बल पर रूप आकृष्ट होगा। 80 के आयु में शबरी बैठी है आजीवन भजन की, उस नाम श्रद्धा ने रूप को आकृष्ट करके उस छोटी सी कुटिया में प्रभु राम को प्रवेश कराया। विभीषण जी के चरित्र में देख लीजिए, अकेले लंका में बैठकर राम 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 कर रहे हैं, एक पक्ष में विभीषण, दूसरे पक्ष में, दोनों लंका में प्रवृत्ति एकदम विपरीत। अच्छा यहां देख लीजिए, अयोध्या में देख लीजिए, मंथरा, मंथरा के आसपास सभी साधु संत जन, क्योंकि अयोध्या की नगरी है, पर नाम जप नहीं रही और वहां लंका में कोई साधु नहीं, आसपास सब राक्षस चांडाल हैं, असुर योनि है, सब कोई नाम नहीं जपता। अयोध्या में सब नाम जपते हैं, उनके मध्यस्थ बीचों बीच बैठकर यहां मंथरा नाम नहीं जप रही और वहां लंका में कोई नाम नहीं जपता, बीचों बीच बैठकर विभीषण राम राम कर रहे हैं। आप देखिए मंथरा से दूर होकर विभीषण से पास हुए प्रभु नाम के बल पर। इतना सुंदर महिमा राम नाम का।
जटायु के जीवन में आजीवन राम 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 किए, सीता देवी के रक्षणार्थ जीवन न्योछावर किए, बलिदान किए, और अंतकाल में राम नाम के बल ने राम रूप को वहां प्रकट किया। और जो सौभाग्य दशरथ महाराज को नहीं मिला अंत्येष्टि क्रिया का, वो सौभाग्य जटायु को मिला। प्रभु राम के गोद में प्राण त्यागे क्योंकि आजीवन राम 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 किए। इसका अर्थ ये नहीं कि दशरथ महाराज नहीं किए, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुवीर विरह राव गए सुरधाम। शास्त्र में वर्णन है दशरथ महाराज के शब्द थे राम राम राम। राम नाम के बल पर दशरथ महाराज नित्य धाम चले गए। शिवजी देखिए कितना राम नाम जपते हैं, नाम की अपार महिमा। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एक एक अक्षरम पुंसा महापातक नाशनम। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है राम रक्षा स्तोत्र का। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, हमारे इस भूतल पर जो उपलब्ध वाल्मीकि रामायण है इसमें कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक। अच्छा 24,000 श्लोक। कहा गया कि शतकोटि प्रविस्तरम, शिवजी के पास जो रामायण है उसमें 100 करोड़ श्लोक हैं। 100 करोड़। एक तो 24,000 संस्कृत के श्लोक, उसमें उसका इंग्लिश भाषांतर, फिर उसका कंडेंस वर्जन, वो पढ़ा नहीं जाता हमसे। शिवजी के पास शतकोटि प्रविस्तरम, 100 करोड़ श्लोकों का विस्तृत रामायण उपलब्ध है। अभी शिवजी सोच रहे हैं इतना विस्तार रामायण रख के हम करेंगे क्या, पूरे जगत को भी तो कृतार्थ करना है। जन्म सार्थक करी कर पर उपकार, यदि प्रचार ना हो, प्राण आथे जार तार हेतु प्रचार। शिवजी सबसे बड़े भक्त हैं और भक्त का लक्षण ही है कि पर दुख दुखी। यदि प्रचार ना करे, दूसरों को भगवान के चरणों में ना लगाए, तो फिर कैसा भक्त। तो शिवजी सोचे 100 करोड़ श्लोक है ना हमारे पास, इसका हम थोड़ा प्रचार करके थोड़ा विभाजन कर लेंगे। 33 करोड़ देवता हैं, 33 करोड़ श्लोक देवता के लोक में दे दिए, 33 करोड़ श्लोक भूमंडल पर, 33 करोड़ श्लोक नरक की ओर। तो ऊपर 33 करोड़, मध्य में 33 करोड़, नीचे 33 करोड़, बचा कितने श्लोक? 1 करोड़। मैया पार्वती सोचने लगी, पति जब दान देते हैं तो पत्नी को तो लगता ही है थोड़ा बहुत। मतलब मैं कह रहा था अच्छा लगता है। हमने तो कुछ नहीं कहा, पत्नी को बहुत अच्छा लगता है। तो मैया पार्वती बोली बहुत सुंदर, आपने परोपकार करके 99 करोड़ श्लोक दे दिए, 1 करोड़ श्लोक है, अब वो रखेंगे ना अपने लिए कि वो भी दे देंगे। शिवजी कहे अब 1 करोड़ श्लोक रख के करेंगे क्या, मैं तो सोचता हूं इसका भी विभाजन किया जाए। 33 लाख श्लोक दे दिए ऊपर, 33 लाख श्लोक दिए मध्य तल पर, 33 लाख श्लोक नीचे, 99 लाख तो दे चुके, अब बचा कितना लाख? 1 लाख श्लोक। मैया पार्वती को और आनंद आया। बहुत आनंद आया, बोले अब 1 लाख श्लोक जो है इसको हम रखेंगे कि विभाजन कर देंगे। शिव जी कहे अब 1 लाख श्लोक का हम करें क्या। तो 33,000 श्लोक ऊपर दे दिए, 33,000 श्लोक मध्य तल पर, और 33,000 श्लोक नीचे, बचा अब 1,000 श्लोक। अब मैया पार्वती बोली 1,000 श्लोक रख के हम करेंगे क्या।
यदि विभाजन ना हो तो 1000 श्लोक का भी विभाजन होना चाहिए। तो शिव जी बोले अति उत्तम वरानने, हे सुंदर मुख वाली पार्वती देवी, बहुत सुंदर बात कही। बचे कितने श्लोक? 1000 श्लोक। 333 श्लोक ऊपर दे दिए, 333 श्लोक मध्य तल पर, और 333 श्लोक नीचे। अब बचा कितने श्लोक? एक श्लोक। मैया पार्वती कहने लगी ये श्लोक कौन सा है? अब दान करने के बाद बचा हुआ एक श्लोक। शिवजी कहे मैं सोच रहा हूं, देखिए भक्त जितना वरिष्ठ उतनी ही करुणा का भाव होता है, अपने लिए कुछ नहीं रखता। निद्रा हार विहार कादि विजितौ चात्यंत दीनौ चयौ। षड गोस्वामियों के जीवन में देख लीजिए, रहे वृक्षों के नीचे, वस्त्र था कौपीन, अन्न ग्रहण किए माधुकरी की रोटी, और दूसरों को दिए भक्ति रसामृत सिंधु। इतने करुणामूर्ति कृपामूर्ति। श्रील प्रभुपा जी का जीवन देख लीजिए, अपने लिए कुछ नहीं मांगे और पूरे जगत को कृष्ण भेंट स्वरूप दे दिए। तो ये एक श्लोक बचा। अब शिव जी कहने लगे ये एक श्लोक जो है ना अनुष्टुप छंद में बद्ध है, अर्थात हरेक पंक्ति में हरेक पद में 8 अक्षर हैं और 4 ऐसे लाइन, 4 ऐसे पद, तो 8 × 4 कितने अक्षर हुए? 32। बोले अब 32 का भी तो विभाजन होना चाहिए। शिव जी बोले 10 अक्षर ऊपर दे देंगे, 10 अक्षर मध्य तल पर और 10 अक्षर नीचे। मैया पार्वती बोली अब सब कुछ तो दे चुके, हमारे पास बचा क्या? शिव जी कहे पूरा रामायण यथा स्वरूप है, क्योंकि वो दो जो अक्षर बचा वो है रा और मा। शिव जी ने कहा यदि राम नाम है तो राम रूप आकृष्ट होगा, राम के गुण दिखने लगेंगे, राम के लीला और छवि प्रत्यक्ष दर्शन होगा। वाल्मीकि मुनि तो उल्टा नाम जप कर पूरे रामायण को जगत में भेद स्वरूप दिए, तो राम नाम उच्चारण करने वाली व्यक्ति के पास और किस चीज की आवश्यकता है? बस ये दो अक्षर रखें। तो मैया पार्वती पूछती है केन उपायेन लघुना विष्णोर नाम सहस्रकम पठ्यते पंडिते नित्यम श्रोतुम इच्छाम्यहम प्रभो। कि 1000 नाम विष्णु सहस्र नाम की महिमा भी तो हम सुने हैं, यदि उसके पाठ का समय ना हो तो हम करे तो करे क्या? तो शिव जी कहते हैं श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे वरानने, हे सुंदर मुख वाली पार्वती, यदि इस मुख को और सुंदर बनाना हो तो जिह्वा पर ये दो अक्षर राम सदा सर्वदा नृत्यमान रहे। राम 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 ये नाम कहने पर हजारों विष्णु सहस्र नाम कहने का फल प्राप्त है। ब्रह्मां बोधि समुद्भवम कलिमलम प्रध्वंसनम चाव्ययम श्रीमत् शंभु मुखेन्दु सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा संसारामय भेषजम सुखकरम श्रीजानकी जीवनम धन्यास्ते कृतिनोपि बंति सततम श्री राम नामामृतम। शास्त्र में वर्णन है जब दुग्ध महासागर का मंथन हुआ तो विष निकला, पर जब 4 वेद रूपी दुग्ध महासागर का मंथन हुआ तो अमृत रूपी ये दो अक्षर रा और म निकले। शिव जी कहते हैं वहां दुग्ध महासागर मिल्क ओशन चर्निंग ऑफ द मिल्क ओशन समुद्र मंथन लीला में जब विष आया मैंने विष का पान किया, परंतु हे देवी शास्त्रों के मंथन करने पर जो अमृत आता है मैं इसको सदा सर्वदा पान करता हूं, इसलिए सदा सर्वदा इस नाम को मैं मुख में रखता हूं। श्रीमत् शंभु मुखेन्दु सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा सर्वदा मुख पर राम नाम विराजमान। इसलिए धन्यास्ते वो व्यक्ति धन्य है, कृतिनः जन्म जन्मांतर उसने बहुत सुकृत प्राप्त किया है। कौन? पिबंती सततम जो पीता रहता है, क्या? श्री राम नामामृतम, जो भगवान के नामामृत को सदा सर्वदा पान करे ऐसा व्यक्ति जन्म जन्मांतर का सुकृत प्राप्त किया है। सभी शास्त्रों का सार नाम।
वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदो अंते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। चार वेदों का सार, 18 पुराणों का सार, 108 उपनिषदों का सार, सभी इतिहासों का सार, सभी संहिताओं का सार, सभी अरण्यों का सार, सभी शास्त्रों के आदि मध्य और अंत में केवल एक विषय है, भगवान का पवित्र नाम उच्चारण। यदि सब कुछ कर लिया और मुख में नाम ना हो तो, और परंतु यदि मुख में नाम हो और हाथ से सेवा हो रही हो, जीवन कृतार्थ है, जीवन कृतार्थ। गीता में तो प्रभु स्वयं कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, सदा मेरे नाम का कीर्तन करो। और यदि यज्ञ करना हो, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी, मेरे नाम का जप करो, ये सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। हम तो कहेंगे वेल प्रभु यू आर सेइंग इन द गीता देर आर दीज आर स्टेटमेंट्स ऑफ कृष्णा बट देर आर ओनली टू स्टेटमेंट्स अबाउट द होली नेम, अदर वर्सेस डोंट से अबाउट द होली नेम। उस पर हम ये उत्तर देंगे कि प्रभु ने द्वापर युग में गीता के 700 श्लोक में केवल दो बार नाम के विषय में कहा, परंतु कलिकाल में जब आए 700 श्लोक को नीचे करके 8 श्लोक दिए और प्रत्येक श्लोक शिक्षाष्टक में केवल हरि नाम है। चेतो दर्पण मार्जनम श्लोक में परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, नाम की महिमा। दूसरे श्लोक में नाम नाम अकारी बहुदा, नाम की महिमा। तीसरे श्लोक में कीर्तनीय सदा हरि, नाम की महिमा। चौथे श्लोक में मम जन्मनी जन्मनी ईश्वरे भवतार भक्ति रहितु कितु। अभी आप कहेंगे यहां भक्ति शब्द है, नाम तो नहीं है। चलिए वृंदावन दास ठाकुर के चैतन्य भागवत में देखते हैं भक्ति की क्या परिभाषा है, मेरे पीछे पीछे दोहराएं। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग धन, भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग धन। भक्ति योग धन है, कौन सा धन, कैसे पता? भक्ति योग कृष्ण नाम, भक्ति योग कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं भक्ति की परिभाषा है, भक्ति का अर्थ है कि प्रभु को पुकारो, स्मरण करो, रो हा कृष्ण हा गोविंद कहा हो, बस यही हो गई भक्ति। तो मम जन्मनी जन्मनी ईश्वरे भवतात भक्ति रहई तुकी त्वई, इसका अर्थ यह है कि हे प्रभु मुझे धन के लालसा में मत रखना, स्त्री के संग के लालसा में मत रखना, विश्व कीर्ति के लालसा में मत रखना, मुझे जन्म जन्मांतर केवल आपके नाम के उच्चारण में रस प्रदान करना है प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पांचवें श्लोक में नंद तनुज नाम है, छठवें श्लोक में गोविंद विरहेन में नाम है, सातवें श्लोक में अच्छा नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निजितम तव नाम ग्रहणे भविष्यति। ये छठवां श्लोक, और सातवें श्लोक में गोविंद विरहेन में, गोविंद के विरह में कब वो नाम उच्चारण होगा। फिर शब्द है नाम में यदि रुचि ना हो फिर भी जपेंगे, नाम में अरुचि हो फिर भी जपेंगे, नाम में निद्राग्रस्त हो फिर भी जपेंगे, हाँ करेंगे क्या? तो आश्लिष्य वापादरतम पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्म हताम करो तुवा यथा तथा वा विदधातु लंपटो। लंपट भगवान का नाम है, मत प्राणनातस्तु स एव नापरा, हे प्रभु आप नाम के लिए मुझे रस प्रदान करो अथवा निद्राग्रस्त करो या जन्म जन्मांतर नाम जपू और कोई रुचि ना हो, हे प्रभु आप हमें छोड़ो, ये आपकी इच्छा, हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। नाम की महिमा सभी शास्त्रों का सार। पहले स्कंद भागवत में आपन्न संस्कृतिम घोराम यन नामो विवश ग्रणन ततो सद्य विमुच्छेत यद भिवेति स्वयं भयम्। पहले स्कंद के पहले अध्याय का श्लोक है भागवत, इसका अर्थ क्या? जो व्यक्ति आर्थ भाव से कृष्ण नाम पुकारता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि के प्रपंच संसार से मुक्त होता है, यह भागवत का निर्णय है। द्रौपदी ने पुकारा प्रभु दौड़ कर आए, गजेंद्र ने पुकारा प्रभु दौड़ कर आए,
प्रहलाद ने पुकारा प्रभु दौड़ कर आए, ध्रुव ने पुकारा प्रभु दौड़ कर आए, व्याधस्याद चरणम ध्रुवस्य च वयोर विद्या गजेंद्रस्य का कुब्जाया किमु नाम रूपम अधिकम तिंतप सुधाम्नो धनम वंश किम विदुरस्य यादव पतेर उग्रस्य का पौरुषम भक्त्या तुष्यति केवलम नच गुणैः भक्ति प्रियो माधव। जिसने प्रभु का नाम उच्चारण किया, कोई भी जाति का क्यों ना हो, कोई भी वर्ण का क्यों ना हो, कोई भी आश्रम का क्यों ना हो, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, अरे हम तो मनुष्य की बात कर रहे हैं, पशुओं ने प्रभु को पुकारा और प्रभु दौड़ कर आए। गरुड़, जटायु, गजेंद्र, जांबवान, हनुमान, कालिया, कोई भी जाति का क्यों ना हो, प्रभु को नाम द्वारा पुकारने पर प्रभु नहीं छोड़ते, बिल्कुल नहीं। कहां प्रभु का वास है, कहां रहते हैं प्रभु, दोहराए मेरे पीछे पीछे, नाहम वसामि वैकुंठे, योगिनाम हृदयेषु वा, यत्र गायन्ति मद्भक्ताः तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वैकुंठ में वास नहीं करता, मैं योगियों के हृदय में वास नहीं करता। नारद कह रहे हैं, प्रभु आप तो कह रहे हैं नकार नकार लगाकर, यहां नहीं वास करता, यही यहां नहीं वास करता, बता दीजिए आपका वास कहां है। यत्र गायन्ति मद्भक्ताः, मद्भक्ताः यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहां गाते हैं। दो शब्द हैं इसमें, गाना और भक्त होना। कई लोग गाते हैं पर भक्त नहीं है, और कई भक्त हैं वो गाते नहीं हैं। प्रभु कहते हैं मद्भक्ताः यत्र गायन्ति। अच्छा शब्द देखिए, मद्भक्ताः, इसका मद का अर्थ क्या है, ममता, मेरे भक्त। प्रभु कह सकते थे ना, भक्त जहां गाते हैं मैं वहां वास करता हूं, ना, प्रभु का इतना प्रेम उमड़ रहा है, मेरे भक्त जहां गाते हैं, मेरे नाम का उच्चारण करते हैं, हे नारद मैं दौड़ दौड़ कर जाता हूं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनः अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूय यत्यांग्रि रेणुभिः। मेरे भक्त किसी से वैर नहीं करते, किसी से वैर नहीं करते, शांत रहते हैं, उद्वेग स्वभाव नहीं होता, किसी का उद्वेग नहीं करते शब्दों से, भजनशील रहते हैं, नम्र स्वभाव में रहते हैं, और समदर्शी रहते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। और ऐसे नाम जापक भक्त के पीछे पीछे मैं डोलता हूं, प्रभु कहते हैं। हरि सदा वसे तत्र यत्र भागवता जना गायन्ति भक्ति भावेन हरेर नामैव केवलम। हरि सदा वसेत तत्र, वसेत का अर्थ है वास करेंगे ही, ऐसा नहीं कि संभावना है आ सकते हैं, दो चार मिनट आएंगे देखेंगे और फिर चले जाए, ऐसा नहीं। हरि सदा सर्वदा वसेत तत्र, उसी स्थान में वास करते हैं सदा काल के लिए। यत्र भागवता जना, जहां शुद्ध भक्त गायन्ति भक्ति भावेन, प्रभु को प्रेम से पुकारते हैं, प्रभु वहां वास करते हैं। हमारे कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन में जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, मूर्ति स्थापना यदि प्रभु को प्रत्यक्ष इस मूर्ति में स्थापित करना हो तो नाम उच्चारण केवल पर्याप्त है, और कोई यज्ञ तंत्र मंत्र यंत्र की आवश्यकता नहीं। परंतु क्या करें, विद्वत सभा है, विप्र सभा है, ब्रजवासियों की सभा है, और हमें सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सबको सुखी रखना चाहिए, इसलिए हम मंदिर उद्घाटन में यज्ञ इत्यादि रखते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा, वैसे तो प्रभु वास करते हैं मूर्ति में केवल प्रेम से पुकारने पर। प्रभुपाद जी की अटूट विश्वास, श्रद्धा। दूसरे स्कंद भागवत में देख लीजिए,
एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परपुंसाम अंते नारायण स्मृति। सभी शास्त्र, सभी श्लोक, सभी गीत, सभी कथाएं, सभी पठन, सभी रटन, सभी ग्रंथ, सभी सभा, सभी भक्तों के समागम में आने का फल यही है कि मुख में कृष्ण नाम हो। बस यदि मुख में कृष्ण नाम है, कृष्ण 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 मुख में वास है, बस सभी तीर्थ वही वास करते हैं। गंगा वही है, जमुना वही है, कुरुक्षेत्र वही है, अयोध्या वही है, जहां नाम उच्चारण हो। यदि सभी तीर्थ जा रहे हैं, तीर्थ पर्यटन, तीर्थ भ्रमण के विरुद्ध नहीं है हम, परंतु ये कर रहे हैं और नाम उच्चारण नहीं हुआ तो श्रम एव ही केवलम। और यदि तीर्थ पर्यटन करते करते नाम है तो अति उत्तम, परंतु यदि शारीरिक दृष्टिकोण से हम यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, घर बैठे बैठे मंदिर में सेवा करते करते नाम उच्चारण कीजिए, प्रभु आपके पॉकेट में है। हम झूठ नहीं कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं, शास्त्र का यह सार है। अवरुद्धते प्रकृति भी शुश्रूषु भी तत्क्षणात्। नाम उच्चारण करने पर प्रभु हृदय में प्रवेश तो करते हैं और फिर होता क्या है, पीछे द्वार बंद हो जाता है। यदि प्रभु भी खोलना चाहे तो खुलता नहीं द्वार, क्योंकि अब प्रभु आपके हृदय में बंद गए। ये दूसरे स्कंद भागवत का सार। चलिए अब तीसरे स्कंद भागवत में देखें नाम की महिमा। अहो बतश्व पचतो गरियान यज्जिभाग्रे वर्तते नाम तुभ्य। कपिल और देवहूति संवाद में वर्णन आता है, अरे धन्य है वो रसना, वो जिह्वा, जिनके जिह्वा के अग्रभाग में प्रभु के नाम अक्षर का उच्चारण हो, अरे धन्य है उनके कुल, धन्य है। सभी ब्रह्मचर्य, सभी तीर्थ, सभी कुंड में स्नान पूर्ण हुआ यदि जिह्वा पर नाम का नर्तन चल रहा है। चलिए चौथे स्कंद भागवत में, योंत प्रविश्य मम वाच इमं प्रसुप्तम संजीवयत्यखिल शक्ति धरस्व धामना अन्यांश हस्त चरण श्रवणत्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। चौथे स्कंद के नौवे अध्याय का छठवां श्लोक भागवत। ध्रुव महाराज नाम उच्चारण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय उच्चारण करने के लिए घर छोड़ दिए, उच्चारण करने के लिए आहार छोड़ दिए, जलपान छोड़ दिए, अरे उन्होंने तो श्वास का रेचक पूरक भी छोड़ दिया केवल मंत्र उच्चारण करने के लिए। ध्रुव महाराज 6 महीने भजन क्या किए, वैकुंठ से विष्णु उतर गए। अभी आपका प्रश्न होगा, प्रभु हम 6 महीने से अधिक नाम जप रहे हैं, प्रभु हमारे लिए तो नहीं उतरे। हमारे लिए तो नहीं उतरे, ऐसा क्यों? गजेंद्र स्तुति का पाठ तो हम भी करते हैं, गजेंद्र ने पानी में किया, हम भी नहाते नहाते पानी में करते हैं। गरुड़ पर आरूढ़ होकर प्रभु तो नहीं आते, हम मुख से बोल रहे हैं ना, हृदय तो नहीं बोल रहा। गजेंद्र जिस प्रकार पुकारे, ध्रुव महाराज जिस प्रकार पुकारे, जिस भाव से, जिस आर्त नाद का पुकार था, हम तो नहीं बोल रहे हैं। हृदय रूपी कमल में जब कृष्ण का रूप दर्शन हो जाए, तुम्हारा जीवन सफल, वो होता है नाम से। भक्ति संदर्भ नामक ग्रंथ में श्रील जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, प्रथमम नामना श्रवणम अपेक्षम, कि पहले केवल नाम जपो और नाम के ध्वनि को सुनते रहो बस। कई बार प्रश्न होता है ना, नाम जपते जपते क्या चिंतन करे, और श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, चैंट विथ योर टंग एंड हियर विथ योर ईयर, व्हाट हैज द माइंड टू डू इन इट। ये उत्तर कहां से आया? भक्ति संदर्भ श्रील जीव गोस्वामी ने कहा कि प्रथमम नामना श्रवणम अपेक्षम, कि पहले केवल नाम उच्चारण करो और ध्यान पूर्वक अक्षर अभ्यास करके श्रवण करो, फिर शुद्धेच अंतकरणे, फिर अंतकरण जब शुद्ध होगा तब रूप दर्शन का योग्यता भवती, तब योग्यता जागृत होगी कि भगवान के रूप का दर्शन हो। सब साथ में, हॉरिबल तो नहीं कह रहे ना,
हॉरिबल। चलिए पांचवें स्कंद भागवत 26वें अध्याय में नरकों का वर्णन। परीक्षित महाराज भयभीत हो गए, इतने नरकों का वर्णन कहो तो सुखदेव गोस्वामी इससे मुक्त कैसे किया जाए? जो व्यक्ति नरक की ओर जा रहा है या जो जा चुका है वो मुक्त कैसे होगा? तो छठवें स्कंद भागवत में पूरा अजामिल उपाख्यान केवल उस प्रश्न का उत्तर था कि नारायण शब्द मात्र से विमुच्य दुखा सुखिनो भवन्तु, आर्था विषण्णा शिथिलाश्च भीता। विष्णु सहस्रनाम में वर्णन है, आर्था विषण्णा शिथिलाश्च भीता। व्याधि से हो, उपाधि से हो, कोई दुख से ग्रस्त हो, संकीर्त्य नारायण शब्द मात्रम विमुच्य दुखा सुखिनो भवन्तु, केवल नारायण शब्द उच्चारण मात्र से दुख से मुक्ति और सुख की प्राप्ति, हे जीव नाम जपो, ऐसे विष्णु सहस्त्र नाम का सार है। छठवें स्कंद भागवत में प्रहलाद हमारे अजामिल के कथा में म्रियमाणो हरे राम घृणन पुत्रोपचारिणः अजामिलोप्यगा धाम किम उत श्रद्धया घृणन, वर्णन आता है कि अजामिल ने मरते समय पुकारा। अजामिल नाम जप किए क्या माला उठाकर? आपको क्या लगता है? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं म्रियमाणो मरते समय पुकारे, और किनको पुकारे? पुत्रोपचारितः, पुत्र को पुकारे, और वो भी अजामिल पुकारा। शास्त्र के सभी मर्यादा, सभी निषेध, सभी नियम, यम नियम सब का उल्लंघन व्यतिक्रमण करने वाला अजामिल पुत्र को मृत्यु काल में भय से पुकारा और प्रभु की प्राप्ति हुई, तो संशय कहां बना? जो भक्त दीक्षा लेकर प्रातः काल में प्रभु को पुकारते पुकारते प्रतिदिन जप और साधना में लगा है उसको भगवान मिलेंगे कि नहीं, कहां का संशय है? कहां का संशय? अवश्य मिलेंगे प्रभु। सातवें स्कंद भागवत में 5 साल का प्रहलाद पुकारा, कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा शब्द आता है। हमारे कुंडली में राहु केतु शनि डर बैठता है सबको। यदि यहां कोई पंडित हैं जिनकी जीवनी है यही देखना, कुंडली देखना, ज्योतिष शास्त्र में निपुण है, कुशल है, मैं आपके व्यवसाय का खंडन नहीं कर रहा, परंतु नाम के महिमा पुष्टिकरण में मैं लगा हूं। ये बच्चा हमें सिखा रहा है कैसे नाम जपना चाहिए। भगवान के मंदिर में भगवान की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी काम नहीं होता। जगन्नाथ जी कह रहे हैं इतने समय से तो तू नाम जप कर रहा है, किस भाव से करना है वो भी बताओ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं नाम को ऐसे पुकारना चाहिए जैसे बच्चा रोए, मानो ये स्पष्ट करने के लिए। जगन्नाटक वैभवम, ये जगत भी भगवान का एक नाट्य मंच है, भगवान की लीला चलती है। तो हम ये कह रहे थे हमारे पत्रिका में कुंडली में बृहस्पति कहां बैठा है, मंगल कहां बैठा है, बुध कहां बैठा है, शनि राहु केतु कैसे आंख फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं, दशा महादशा विंशोत्तरी दशा अंतरदशा सबको डर रहता है। नाम जपने वाले को निडर होना चाहिए। क्यों? चलिए आपको बताते हैं, नवग्रह का एक चक्कर लगा देते हैं। चलिए पहला ग्रह है सूर्य, सूर्यवंशी है प्रभु राम, सूर्यवंशी है प्रभु राम। यदि आप राम 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 कहो तो सूर्य भगवान आप पर अनुकूल रहेंगे कि प्रतिकूल रहेंगे? क्योंकि सूर्यवंशी राम जो सूर्य कुल के सूरज हैं,
आप उनके आश्रित हैं। तो भला सूर्य यदि ठीक से बैठा भी ना हो आपकी पत्रिका में, फिर भी सब कुछ अनुकूल है। अच्छा आप कहेंगे हम राम भक्त नहीं है, हम कृष्ण कृष्ण कहते हैं। चलिए सूर्य की पुत्री कौन है? यमुना, जो द्वारिका में बनी कालिंदी, जिनका विवाह हुआ कृष्ण से। तो सूर्य और कृष्ण का संबंध मानो दामाद और ससुर जी का संबंध। तो यदि कृष्ण कृष्ण कहें तो सूर्य वैसे ही अनुकूल है क्योंकि पुत्री का विवाह हुआ है भाई कृष्ण से। अच्छा आप कहेंगे ये तो सूर्य हुआ, दूसरे ग्रह है चंद्र। चलिए चंद्रवंशी तो है ही कृष्ण, कृष्ण 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 कहने पर, चंद्रवंशी के चंद्र कृष्ण के अधीन होने पर भला चंद्र प्रतिकूल कैसे हो सकता है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी यदि चंद्र नीचे नीचे स्थान में बैठा हुआ आपकी पत्रिका में, चंद्रेश कृष्ण है, कृष्ण है, यदि कृष्ण का भजन हो तो चंद्र रूपी मन अनुकूल रहता है आपकी पत्रिका में। हो गए कितने ग्रह? तो चलिए अगला ग्रह मंगल। सब लोग डरते हैं मंगल से, मांगलिक है कि नहीं, ब्रह्मचारियों को तो ये फिक्र ही नहीं हुआ। भैया मांगलिक हो कोई भी हो, हम तो प्रभु के आश्रित हैं। पर गृहस्थियों का वैसा नहीं, विवाह के पहले कोई विचार होता है और होना भी चाहिए, मांगलिक है नहीं है इत्यादि। ज्योतिष शास्त्र बहुत उच्च शास्त्र है, हम खंडन बिल्कुल नहीं कर रहे, बढ़िया शास्त्र है और वैदिक शास्त्रों में शास्त्र ये प्रामाणिक शास्त्र है। तो मंगल, मंगल को शास्त्र में कहा गया इसका नाम है भूमिज। क्या कहते हैं मंगल को? अर्थात इसका जन्म भूमि से हुआ, परंतु भूमि से एक कन्या हुई सीता देवी, और उनका विवाह हुआ राम से। अब मैं आपको पूछूंगा नहीं, पर आप मुझे फिर भी बताइए, प्रभु राम के लिए मंगल क्या हुए? आप जान गए संबंध, प्रभु राम का जिनके साथ विवाह हुआ वो मंगल ग्रह के लिए बहन स्वरूपा है। तो यदि आप राम 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 कहेंगे तो सीता देवी के पति को भजने वाले व्यक्ति को सीता देवी के भाई अनुकूल रहेंगे कि प्रतिकूल रहेंगे? अनुकूल हो जाएंगे। तो तीन ग्रह नौ में से तो आपकी पॉकेट में हो गए। अब चौथा बृहस्पति जुपिटर, ये तो है गुरु। अभी आप मुझे बताइए यदि भक्त प्रभु का भजन करे तो गुरु प्रतिकूल होते कि अनुकूल होते? गुरु शब्द का अर्थ है गुरु शब्दस्तु अंधकार स्या रू शब्द तन्निरोधक अंधकार निरोधित्वा गुरु इति अभिधीयते। गुरु माने शिष्य को भगवान के चरणों में लाना, ये गुरु का कर्तव्य है। यदि शिष्य भगवान के चरणों में नाम जप रहा आश्रित होकर, गुरु संतुष्ट होते हैं कि रुष्ट होते हैं? संतुष्ट होते हैं। तो बृहस्पति तो वैसे आप पर बरसेंगे यदि आप भजन करेंगे, नाम जपने पर बृहस्पति रूपी गुरु रीझ गए, कृपा करेंगे, तो कितने ग्रह हो गए? चार। चलिए अब पांचवा ग्रह कौन सा ले? अब सब शनि कह रहे हैं, चलिए शनि शनि देव को ले लेते हैं। अभी आप कहेंगे अभी शनि देव को कैसे घुमाएंगे इस कथा में? सभी ग्रहों को आप घुमा घुमा कर बता रहे हैं, वैसे ग्रह तो घूमते हैं ही। चलिए शनिदेव के विषय में सुनते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है कि शनिदेव जैसा कृष्ण भक्त कहीं नहीं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है शनिदेव जैसा कृष्ण भक्त कहीं नहीं। शनिदेव किन्हीं को नहीं देखते? शनिदेव वैसे सूर्य के पुत्र हैं और सूर्य तेजस्वी, और शनि जन्म से ही बहुत सांवले रंग के थे, तो मानो सूर्य वंश के लिए कलंक माने जाते हैं शनि।
इसलिए नम्र विनम्र भाव से परिवार और वंश से बहिष्कृत तिरस्कृत होने के कारण शनि देव नम्र भाव से नीचे झुक झुक कर कृष्ण 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 करते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण भी सावले हैं। शनि देव कहते हैं हम आपके शरण हैं प्रभु, आप उबारो हमें, हम जैसे पतितों का उद्धारण करो, उद्धार करो। तो शनिदेव का जब विवाह हुआ तो पत्नी को भी नहीं देखे, नीचे देखकर कृष्ण 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 कर रहे थे। पत्नी को बहुत क्रोध आया, आप देख नहीं रहे हमें, एक बार देख नहीं रहे, मुस्कुरा रहे नहीं रहे, ये कैसा दाम्पत्य जीवन है? एक बार तो देख लीजिए, मुस्कुरा लीजिए, कुछ तो कह दीजिए। शनि फिर भी ब्रह्मचर्य धारण करके कृष्ण 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 कह रहे थे। तो पत्नी ने श्राप दे दिया, तुम जिनको देखोगे उनका अनर्थ होगा। जगन्नाथ बलदेव से बसरा सुदर्शन की पत्नी ने श्राप दे दिया शनि देव को, आप जिनको देखोगे अनर्थ हो जाएगा। शनि देव बोले अति उत्तम, किन्हीं को नहीं देखेंगे अब। जो भौतिक दृष्टिकोण से भगवान में आस्था नहीं रखता, शनि महादशा के समय सब कुछ हरण किया जाता है, धन संपत्ति में घटन होता है, अवनति होती है, उन्नति तो होती नहीं। जो भी भौतिक आसक्ति है शनि भगवान उसको ले लेते हैं बाहर। और जो भक्त होते हैं उनको तो विरक्त भाव से रहना ही है, जगत से तो छूटना ही है, तो जो प्रतिकूल है उसको शनिदेव ले लेते हैं और जो अनुकूल है भजन के लिए उसको यथारूप रखते हैं जीवन में। इसलिए आप देखेंगे शनि महादशा के समय कई भक्त संन्यास धारण करते हैं। जो भक्त नहीं होता वो ऐसे सिर धारण करके बैठ जाता है, अब क्या होगा, धंधे में बरकत, संतान उत्पत्ति, जादू टोना, ट्रेन में देखें ये सब बातें। शनि महादशा में जो नास्तिक होता है उनके लिए ये सब होता है, क्योंकि शनि ने ले लेते हैं वापस सब कुछ। परंतु जो भक्त होता है उनके जीवन में विरक्ति आती है। तो शनि तो है ही कृष्ण भक्त, और आप भी कृष्ण कृष्ण कहो, शनि भी कृष्ण कृष्ण कहें तो अनुकूल जोड़ी है। कितने ग्रह हो गए? 5। छठवें किनको ले अब? शुक्र। अच्छा, शुक्राचार्य दैत्य गुरु हैं। किनके गुरु थे अष्टम स्कंद भागवत में? बलि महाराज। बलि महाराज वामन देव को दान दक्षिणा देना चाह रहे थे, चरण धोना चाह रहे थे, पात्र उठाए, पानी भर भर कर उसको चरण धोना प्रयास किए, पानी जल सिंचन नहीं हो रहा है, पानी नहीं निकल रहा है मटके से। फिर उस छेद में देखो तो शुक्राचार्य जी एक भ्रमर, एक छोटे से भृंग रूप में आकर बैठ गए, बोले हम नहीं देंगे, ये अनर्थ होना, सभी धन तुम अगर वामन को चढ़ाओगे तो हमारे दान दक्षिणा का क्या? शुक्राचार्य बोले नहीं नहीं, ये कोई बटु ब्राह्मण नहीं है, ये भगवान है, ये हरि है, हर लेते हैं, ऐसे हरि है ये। और बलि, तुम बलि पर चढ़ रहे हो, अब तुम बलि हो रहे हो और वो हरि है, मैं बीच में आऊंगा और तुम्हारी संपत्ति की रक्षा करूंगा। कौन? शुक्राचार्य बन गए भृंग, भ्रमर भवरा बन गए और उस छेद में जाकर बैठ गए ताकि मटके से पानी धोते समय जल ना आए। बलि महाराज सोचे अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा, जो प्रतिकूल है उसको बाहर करो, व्यक्ति को होना चाहिए तृणादपि सुनिचेन, निकाल दिए तृण को, घास के तिनके को लेकर उस छेद में डालकर शुक्राचार्य की एक आंख को फोड़ दिए। तुम स्वयं दृष्टि नहीं रखते ठीक, हमें काहे की दृष्टि दोगे, दृष्टि ठीक करो पहले। एक आंख फोड़ दिए, शुक्राचार्य बाहर आ गए, बोले भैया तुम यदि भगवान के समर्पित होना चाहते हो, तुम और भगवान जाने, हम हट गए, हम नहीं आएंगे बीच में। अभी आप बोलिए, आप कृष्ण 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 जपो, आप और कृष्ण के बीच में शुक्राचार्य आएंगे? अब एक नेत्र बचा,
शुक्राचार्य प्रण खा लिए, दैत्य गुरु बने रहेंगे, पर कोई भक्त और भगवान की भक्ति के बीच में हम हो गए छह ग्रह। अब सातवां, राहु और केतु को तो अंत में रखते हैं, तो अंत में रखते हैं बुध। बुध माने मर्क्यूरी। आप जानते हैं बुध और कृष्ण का संबंध? ओहो, अति उत्तम संबंध। भगवान कृष्ण जब जन्म लिए, बुधवार को जन्म हुआ, जानते हैं इस बात को? बुधवार को जन्म हुआ। अभी आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि भगवान ने सोच विचारा कि हम चंद्रवंशी हैं, ठीक, चंद्र कुल में जन्म ले रहे हैं, और चंद्र का दिन कौन सा? सोमवार। तो हम उस दिन नहीं आएंगे, उसके बाद आएंगे, क्योंकि उस वंश में आ रहे हैं। अगला दिन कौन सा? मंगल। हम आने पर मंगल नहीं होता, भगवान सोच रहे हम आने से पहले ही मंगल प्रारंभ हो जाता है। जैसे कोई प्रधानमंत्री आए उसके बाद रास्ता साफ नहीं किया जाता, प्रधानमंत्री आने से पहले रास्ता साफ हो जाता है। नैसर्गिक वातावरण दृष्टिकोण से भगवान आने से पहले ही मंगल। तो ठाकुर सोच रहे हैं सोम के बाद आएंगे और मंगल हमसे पहले होगा। अच्छा, अब कौन सा दिन बचा? बुधवार। प्रभु सोच रहे हैं इसके बाद कौन सा है, और फिर शुक्रवार। प्रभु सोच रहे हैं गुरु और शुक्र, बृहस्पति और शुक्राचार्य दोनों गुरु हैं, परंतु हम जगत गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। जो भी गुरु है वो जगत गुरु के बाद आएंगे कि नहीं? तो ये सोचकर प्रभु ने निर्णय किया, निश्चय किया, हमसे पहले सोम और मंगल होगा, हमसे बाद गुरु और बृहस्पति शुक्राचार्य होंगे, और हम बुधवार को जन्म लेंगे। तो सोचिए, अभी कृष्ण कृष्ण जपने वाले को बुध अनुकूल होंगे कि प्रतिकूल होंगे? अनुकूल। प्रभु के नाम पर पूरी कथा चल रही है, अनुकूल अनुकूल कर रहे हैं तब से। तब से हम ये कह रहे हैं कि केशव को जो भजता है जीवन अनुकूल हो जाता है। चलिए, सात ग्रह तो हो गए पॉकेट में, अब बचे राहु और केतु। देवता और मोहिनी मूर्ति के बीच में एक बार क्या आ गए? चक्रग्रस्त होकर एक शरीर से दो राहु केतु हो गए। आप तो कथा जानते ही हैं, दैत्य बैठ गए, समुद्र मंथन के बाद जब अमृत का वितरण हो रहा था, मोहिनी मूर्ति आई, मटके से अमृत का वितरण करने लगी, राहु और दैत्य बैठ गए देवता के रूप में, चक्र निकालकर मानो शरीर को, शरीर और सिर को अलग कर दिया चक्र से, सिर बन गया राहु, शरीर बन गया केतु। वो सीख गए, यहां देवता यहां भगवान, बीच में अमृत का संबंध हो तो हमें बैठना नहीं। ओ, वो तो मटके का अमृत है, ये नाम का अमृत है। मोहिनी रूपी भगवान विक्रम हैं, देवता से बढ़कर शुद्ध वैष्णव हैं, और उनके बीच का नाम अमृत का संबंध है। राहु केतु हम नहीं बैठेंगे बीच। एक और अर्थ से जान सकते हैं, राहु जाकर ग्रस्त करता है किनको? सूर्य और चंद्र को, और उसको कहते हैं चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। खा पाता है लेकिन ना, सूर्य को खाने का प्रयास करता है थोड़े समय, फिर निकल जाते हैं, फिर वापस प्रयास करता है सूर्य ग्रहण, फिर निकल जाते हैं। राहु जो कर नहीं पाए, हमारे हनुमान जी ने बचपन में किया, एक बार नहीं, मुख में रख दिए। राहु डरते हैं हनुमान जी से, बहुत डरते हैं। और यदि आप हनुमान के स्वामी राम को भजो तो हाँ, बहुत अनुकूल हो जाते हैं, बहुत अनुकूल। अच्छा, मैं आपको और एक दृष्टिकोण से बताता हूं, राहु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किस प्राणी का प्रतीक है? सांप। सांप राहु का प्रतीक है, और सांप को मारने वाला कौन है? मोर। और मोर पंख मुकुटधारी कृष्ण हमारे ऑल्टर पे हैं।
ज्योतिष शास्त्र अनुसार यदि राहु ग्रस्त हो तो घर के कमरों में आपको मोर पंख रखना चाहिए। हम कमरे में नहीं रखते हैं, हम ठाकुर के मुकुट में रख देते हैं और उस ठाकुर की छवि प्रत्येक कमरे में होता है। तो राहु तो पकड़ नहीं पाता क्योंकि राहु सांप है, तो सांप को मारने वाला मोर है और मोर पंखधारी हमारे स्वामी है। तो इस प्रकार नाम जपने वाले को ग्रह से नहीं प्रभु के अनुग्रह से ग्रस्त होता है व्यक्ति। सातवें स्कंद भागवत में कहा गया प्रहलाद कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा, कृष्ण नाम रूपी ग्रह ने ग्रस्त कर लिया। आठवें स्कंद भागवत में गजेंद्र ने पुकारा, नाम के बल पर प्रभु आए। नौवें स्कंद भागवत में यह नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मलः, दुर्वासा मुनि कहते हैं हे प्रभु चक्र से मैं ग्रस्त हूं, मेरी रक्षा करो। अम्बरीश की तो रक्षा कर रहे हैं, मेरी भी रक्षा करो। प्रभु कहते हैं मैं अम्बरीश की रक्षा इसलिए करता हूं क्योंकि अहम भक्त पराधीनो, वो मेरा भक्त है, भजन करता है। दुर्वासा मुनि कहते हैं बिल्कुल, यह नाम श्रुति मात्र है ना पुमान भवति निर्मला, मैं भी सुना हूं कि आपके नाम श्रवण मात्र से चित्त शुद्ध होता है, आज से मैं भी आपके शरण आकर नाम जपना चाहता हूं। नौवां स्कंद और दसवां स्कंद, इति गोप्य प्रगायन्त प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा तासाम् आविर्भूत शौरी स्मयमान मुखाम्बुजं पीताम्बरधरश्रग्वी साक्षात् मन्मथ मन्मथ। प्रभु छिप गए, गोपियों ने त्रिवेणी संगम में नहाए। कौन सा त्रिवेणी संगम? कहीं गए नहीं, नेत्रों से अश्रु, मुख से नाम का प्रवाह और हृदय से कृष्ण दर्शन लालसा। हृदय की लालसा, नेत्रों का अश्रु प्रणय अश्रु जल और मुख से नाम, इन तीनों त्रिवेणी संगम में नाते नाते गोपियों ने गोपी गीत गाया और कृष्ण वन में जो छिप गए थे प्रकट हुए नाम के बल पर। ग्यारहवें स्कंद भागवत में एवं व्रत स्व प्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो धृतचित्त उच्चई हसत्यतो रौति रौदति उन्मादवत नृत्यति लोक बाह्य, कि जो व्यक्ति प्रभु का नाम जपता है और उन्माद अवस्था से नृत्य करता है, कभी कभी हंसता है, कभी कभी गाता है, कभी कभी रोता है, ऐसा व्यक्ति प्रभु को अधीन करता है। और यदि आप कहेंगे बारहवें स्कंद में भी है क्या, कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तनादि कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजे कृते यद्ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतुमखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद् हरि कीर्तनात् नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। सत्ययुग में ध्यान का, त्रेत युग में यज्ञ का, द्वापर युग में विग्रह सेवा का, कली काल में केवल नाम उच्चारण से फल प्राप्त है। इसलिए पूरे श्रीमद् भागवत का सारांश यही है, शरीर से प्रणाम और मुख से नाम, नाम और प्रणाम, ये शास्त्र का सार है। और यदि आप कहेंगे वास्तविक सार है कि नहीं कैसे पता, भैया गीता हो गया, बारह स्कंद भागवत हो गए, भगवान स्वयं जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो एकमात्र साधन किए हरे नाम, महाप्रभु ने कहा कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कली काले नाम बिनु नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम ही शास्त्र मर्म, कि हरि नाम सही शास्त्रों का सार है। और ऐसे रटन करने वाले व्यक्ति को क्या फल मिलता है, शास्त्र हमारे कथा के प्रारंभ में ऋग्वेद अथ यजुर्वेद सामवेद अथर्वण अधीतस ये नतेन उक्तम हरि इति अक्षरद्वयम्। नाम जपने वाले को कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, भगवान भक्ति के प्रेम पाश में बंधी हो जाते हैं, चार वेद का फल होता है, मुक्ति इत्यादि तो आनुषंगिक फल है सेकेंडरी, परंतु भगवान को अधीन करने का शक्ति सामर्थ्य बल भक्त में होता है, पूर्ण रूप से शक्ति संचारित होती है भक्त में केवल नाम के बल पर। ये कहते कहते आज के वाणी को हम विश्राम देंगे और
कल कथा होगी अन्यत्र स्थान में तो विषय दूसरा होगा, आज के कथा में जो भी अनुकूल बातें हैं शास्त्रानुसार जो सार है आपसे अनुरोध है आप उसको ग्रहण कीजिए। हमने हमारा मत प्रस्तुत नहीं किया, कहीं भी ये नहीं कहा हमें लगता है, श्लोक इसलिए टेबल पे रखे क्योंकि हम वेटर हैं। शास्त्र रूपी जो बहुत सुंदर व्यंजन पकवान बनाए गए हम वेटर रूप में आकर आपके समक्ष प्रस्तुत किए। अभी आप इसका रसपान कीजिए, चखिए और जीवन को कृतार्थ कीजिए, सफल बनाइए, और यदि इसमें आपको कोई त्रुटि लगे आप विद्वान सब मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। वांछा कल्पतरु।